कल कल प्रवाह तो दिश दिश पावन संस्कृत रजो जुषे जन्मनि सर्ववृत्तये स्थितों प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतये त्रैमयाय त्रिगुणात्मने द्विजेन तेना शतकंठ कंठ्यया। आखिरी श्लोक है, द्विजेन तेना शतकंठ कंठ्यया महामनोमोहमलिम सांधया अलब्ध वैदध्य विलास मुग्धया धिया निवृत्ते। हम लोग प्रारंभ से लेकर के 20 श्लोकों तक कादंबरी कथामुख को पढ़ा था। तो जैसे कथा में आपने देखा कि यदि आपने कथा और आख्यायिका का लक्षण पढ़ा हो तो कथा के लक्षण में आपको बताया गया कि कथा के प्रारंभ में मंगलाचरण होना चाहिए, सज्जनों की प्रशंसा होनी चाहिए, दुर्जनों की निंदा होनी चाहिए, कथा की प्रशंसा होनी चाहिए और कवि वंश का वर्णन होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपने इन 20 श्लोकों में देखी कि बाण ने मंगलाचरण भी किया और त्रिगुणात्मक ब्रह्म का विवेचन किया, भगवान शंकर के चरण कमलों की धूलि की वंदना की और आगे दुर्जनों की निंदा की और सज्जनों की प्रशंसा की, अपने कवि वंश का वर्णन दिया, कुबेर का, चित्रभानु का, अर्थपति का और स्वयं का परिचय दिया और अपनी कादंबरी कथा की विशेषताएँ भी बताई और स्पुरम कलालाप विलास कोमला इत्यादि में कादंबरी कथा का भी की उत्कृष्टता बताई। अब इसके बाद वो कथा का प्रारंभ करते हैं। अब ये कथा का आमुख है, आमुख माने होता है भूमिका या प्रस्तावन। जैसे हम किसी चीज़ की बड़ी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना तो पहले भूमिका बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं, शुरुआत करते हैं जैसे किसी चीज़। ऐसे कहानी बतानी है तो कहानी की भूमिका तैयार हो रही है, कहानी का स्वरूप तैयार हो रहा। तो यदि आपने कभी अपनी दादी माँ से या नानी से कहानी सुनी हो तो आपने देखा होगा कि नानी लोग कहानी सुनाती ना कि एक राजा था, वो राजा फिर ऐसा था वैसा था इस तरह से था। तो कादंबरी भी एक कथा है। कादंबरी क्या है? तो जैसे आपने कहानियाँ सुनी है ना, कथाएँ सुनी हैं, उसी प्रकार एक कहानी की शुरुआत हुई कि शूद्रक नाम का एक राजा था। अब ये कहानी कहने की अपनी अपनी अलग अलग स्टाइल है। कुछ लोग सिंपल वे में बड़ी सहजता से कहानी सुना देते हैं और आप यदि अपने बचपन को याद करें तो कुछ लोग जैसे मान लीजिए उसी कहानी को बाबा सुनाएं और उसी कहानी को आपके पिता सुनाएं, भाई सुनाएं, नानी सुनाएं, दादी सुनाएं, तो कोई एक ऐसा होगा जिसके मुख से वही कहानी बहुत अच्छी लगती है और हो सकता है वही कहानी किसी और के मुख से बहुत अच्छी नहीं लगती। कथा एक है, कथा का जैसे आपने ये भी देखा होगा, भागवत कथा सुनने वालों को आपने सुना होगा, भागवत कथा कहने वाले बहुत लोग हैं, राम कथा कहने वाले भी बहुत लोग हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आप दीवाने हैं। जैसे राम कथा में मुरारी बापू का बोलबाला है, आप मुरारी बापू की कथा सुनते हैं, संगीत सब लोग सुनाते हैं, पर आप ठाकुर जी की कथा सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई आदमी पराशर जी की कथा सुनना पसंद करता है। मैं यहाँ प्रवचन की विशेषता नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भागवत वही है और राम की कथा भी वही है, पर कथा कहने का अंदाज सबका अपना अलग अलग है और जिसका अंदाज आपको पसंद आ जाए। ऐसी कथा कहने का बाण का अपना एक अंदाज है, बाण को कथा बोलने का, कथा कहने का, कथा लिखने का, कथा को सुनाने का अपना अलग स्टाइलिश अंदाज है। तो हम उस स्टाइलिश अंदाज की बात करते हैं जहाँ 20 श्लोक उन्होंने वंशस्थ छंद में लिख करके कथा की, सज्जनों की प्रशंसा, दुर्जनों की निंदा, अपने वंश का परिचय, मंगलाचरण इत्यादि किया। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस बताया कि शूद्र को नाम राजा आसीत। क्या कहा? तो पहले क्रियापद कहा आसीत और लास्ट में
कर्तृपद कहते हैं शूद्र को नाम राजा। इसी बीच के पैराग्राफ को पढ़िएगा तो आपको बाण की कहानी कहने का अंदाज पता चलेगा। उन्होंने कहा आसीत अशेष नरपति शिरा समभ्यरचित शासन पाक शासन इव अपर चतुर्दधि माला मेखलाया भुवो भरता प्रतापानुराग वनत समस्त सामंत चक्र चक्रवर्ती लक्षणोपेत चक्रधर इव कर कमल उपलक्ष्यमाण शंख चक्र लांछन हर इव जित मन्मथः गुह इव अप्रतिहत शक्ति कमलयो निरिव विमानी कृत राजहंस मंडलः जलधिरिव लक्ष्मी प्रसूति गंगा प्रवाह इव भगीरथ पथ प्रवृत्तः रविरिव प्रतिदिवस उपजाय मानोदयः मेरुरिव सकलोपजीव्यमान पादच्छायः दिग्गजैव वनवरत प्रवृत्त दानार्द्रे कृतकरः कर्ता महाश्चर्याणां आहरता क्रतूनां आदर्श सर्वशास्त्राणां उत्पत्ति कलानां कुलभवनं गुणानां आगम काव्यामृतरसानां उदयशैलो मित्रमंडलस्य उत्पातकेतुः अहितजनस्य प्रवर्तयिता गोष्ठी बन्धानां आश्रयो रसिकानां प्रत्यादेशो धनुष्मतां धौरेयः साहसिकानां अग्रणीर्विदग्धानां वैनतेयैव विनतानन्दजननः वैन्यैव चापकोटिसमुत्सारित सकलारातिकुलाचलो राजा शूद्रको नाम। तो इसके बीच में कहीं आपको पूर्ण विराम नहीं मिला होगा, पूर्ण विराम यहाँ मिला राजा शूद्रको नाम। यही बात मैं आपसे भी कह रहा था कि बाण के अपनी कथा कहने का अंदाज है। मान लीजिए हम आप कथा कहते तो हम लोग ऐसा कहते राजा शूद्र को नाम आसीत अथवा शूद्र को नाम राजा आसीत, शायद हम आप ऐसा बोलते शूद्र को नाम राजा आसीत। उन्होंने कहा आसीत ऐसा 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 क्या आसीत, बोले राजा शूद्र को नाम। तो बीच में शूद्रक के बहुत सारे विशेषण बताए। कहानी सिर्फ इतनी थी कि एक शूद्रक नाम का राजा था, फिर आगे वो बताते कि उनकी एक रानी थी, उनका एक मंत्री था कुमार पालित उसका नाम था। एक बार वो आश्रम में बैठा था, उसके आश्रम में एक चांडाल कन्या आई एक तोते को लेकर गई। कहानी इतनी सी है, लगता है चार पाँच वाक्यों में कहानी समाप्त हो सकती थी, कितनी कथा मुख्य। लेकिन इतना मोटा ताज़ा ग्रंथ आपको पढ़ना है। कहानी सिर्फ इतनी ही है कि शूद्रक नाम का एक राजा था, एक बार राजमहल में बैठा था, उसी समय एक चांडाल कन्या तोते पिंजरे में तोते को लेकर के आती है और वो तोते के गुण बता करके उसको समर्पित करती है। इतनी सी कहानी है और फिर तोता कुछ अपनी कहानी को बताने लगता है कि मैं कैसे यहाँ तक आया। इतनी छोटी सी कथा जो मेरे ख्याल से जितना पैराग्राफ अभी आपने पढ़ा इतने में ही पूरे कथामुख की कहानी कही जा सकती थी। लेकिन
अभी आप इस पूरे सेंटेंस में एक सेंटेंस पढ़ पाएंगे कि शूद्रक नाम का एक राजा था। तो अस धातु है, भूतकाल का प्रयोग है, आसीत आस्ताम आसन ऐसा रूप चलेगा। तो आसीत माने था, कौन था? शूद्रक नाम का एक राजा था। शूद्रक नाम का, अब हमने देखा होगा कि हम लोगों की दादी अम्मा भी सुनाती थी, एक राजा था, उसके बहुत बड़े बड़े हाथ थे, इतना भारी सिर था, एक बहुत बड़ा मुकुट लगाया करता था, उसकी बड़ी बड़ी आँखें थी, इतना बड़ा चेहरा था, सब लोग उसका कहना मानते थे। अब देखो, एक राजा था इतनी ही बात थी, बाकी उस राजा का विवेचन है जो दादी अम्मा हमसे किया करती थी। आपकी भी हो सकता, नानी आपको कहानी सुनाई होगी, रानी बहुत सुंदर थी, बड़ी बड़ी आँखें थी, उसका सुंदर सुंदर दांत था, फूला फूला गाल था, लंबा चौड़ा गोरा गोरा शरीर था, ये सारा चीज़ क्या है? ये रानी का के सौंदर्य का विवेचन है, अथवा राजा के पराक्रम का विवेचन करने लगे। शूद्रक नाम का एक राजा था, कैसा राजा था? तो उन्होंने कहा ऐसा था ना कि अशेष नरपति शिरः समभ्यरचित शासन पाक शासन इव अपराखिर कामा लगा होगा। पाक शासन माने इंद्र, पाक शासन माने पाक, एक राक्षस था, उसको शासित करने के कारण इंद्र का एक नाम पाक शासन पड़ा। तो पाक शासन इव अपरा, अपरा माने दूसरा, दूसरे इंद्र के समान था, दूसरे इंद्र के समान, कौन दूसरे इंद्र के समान था? राजा शूद्र दूसरे इंद्र के समान था। सवाल आएगा पाक शासन ही वो अपरा कहा, अथवा राजा शूद्र का कीदृश अपरा पाक शासन है वो ना। अब आगे कहा अशेष, जब कुछ शेष बचे तो वो शेष, और ना शेष कोई भी शेष नहीं बचा था, कौन? नरपति। नरपति माने ऐसा कोई भी राजा शेष नहीं बचा था जो सिर समभ्यर्चित शासन, जो सिर को झुका करके उसके शासन माने आदेश या आज्ञा को स्वीकार ना करे, ऐसा कोई भी राजा, अर्थात समस्त राजागण शूद्रक के शासन माने आज्ञा को, आदेश को सिर से मानते थे, सिर झुका करके मानते थे। अब यदि आपने रामलीला देखी हो या महाभारत देखा हो टीवी में, या आपके गांव में रामलीला कृष्णलीला देखी हो, तो आपने ये देखा होगा कि जब कोई राजा आदेश करता है तो उसका शिष्य जो महाराज की आज्ञा, आपने देखा ये डायलॉग देखा, मान लो कोई राजा आदेश करता है तो उसका सेवक या उसका नौकर या उसका मंत्री किस प्रकार से आदेश स्वीकार करता है राजा का? जहां पना, यदि मुसलमानों का सीरियल है तो जो आदेश सिर में स्वीकार है, और यदि हिंदू सीरियल है तो वो भी ऐसे हाथ जोड़ करके जैसी महाराज की आज्ञा। अब आपने नाटक पढ़ा होगा, नाटक में यदि राजा कुछ कहता है तो एक डायलॉग आपने बार बार पढ़ा होगा, यथा ज्ञापयति भवान, यथा ज्ञापयति भवान, सिर झुका करके एक आदेश कहा जाता है जैसा महाराज आदेश कर। तो जिस राजा का शासन, कोई भी ऐसा नरपति शेष नहीं था जो सिर झुका करके उनके आदेश का पालन ना करता हो, अर्थात धरती में राजा शूद्रक ऐसे था जैसे धरती में अपर पाक शासन हो, अपर माने दूसरा इंद्र हो, तो जैसे धरती में या सुरलोक में ऐसा कोई देवता नहीं है जो इंद्र के आदेश को सिर झुका के स्वीकार न करे, ऐसे ही धरती लोक के इंद्र के समान कौन है? शूद्रक, जिसका कोई भी राजा ऐसा नहीं है कि राजा कहेगा नहीं आपको यहाँ जाना है, नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे, ऐसा कहने वाला कोई, आदेश का उल्लंघन हो जाए ऐसा एक भी राजा उसके राज्य में। देखिए, एक चक्रवर्ती सम्राट होता था, उस राजा के अंडर में छोटे 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 कई राजा होते थे, समझ में आया? जैसे अपने यहाँ एक प्रधानमंत्री है और हर 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 प्रदेश में एक एक मुख्यमंत्री है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज भी लगभग लगभग भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे राजा हैं यानी मुख्यमंत्री हैं जो चक्रवर्ती सम्राट मोदी जी के आदेश को सिर झुका करके स्वीकार करते हैं। कुछ ही ऐसे हैं जो हो सकता है ये कहने की हिम्मत दिखाएं, भले ही दूसरे कुछ, पहले तो कांग्रेस शासित कोनो प्रदेश ही नहीं बचा, तो मान लो जो दो चार ठो बचा होगा, और सिर इस झुका के इसलिए स्वीकार करेंगे कि उनको यदि बजट चाहिए और अपने राज्य का विकास विस्तार चाहिए
तो चक्रवर्ती सम्राट माननीय नरेंद्र मोदी के आदेश का पालन सबको करना पड़ेगा। और वैसे भी पार्टी में भी आपने देखा होगा कि पूरी पार्टी एक तरफ, मोदी एक तरफ, तो ये बड़ी बात है कि एक चक्रवर्ती सम्राट का जो आदेश उस जमाने में लोग पालन करते थे। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि बताओ कादम्बरी कथा में मोदी को नहीं छोड़े सर, यूँ ले आवत हैं। नहीं नहीं, राजा शूद्रक के व्यक्तित्व से यदि आपको किसी की तुलना करनी पड़े तो आपके ज़माने में जो शूद्रक है उसे तो बताना पड़ेगा। तो दूसरे इंद्र के समान उसके आदेश का सब लोग पालन करते थे। किसके आदेश का? राजा शूद्रक के आदेश का। अब आगे कहा चतुर्दधिमाला मेखलाया भुवः भरता, यहाँ से पकड़ना भुवः भरता, भुवः भरता, भुवः माने पृथ्वी का, भूमि का, भरता माने, तो भुवः भरता कह शूद्र का, भुवः भरता कह अपरः पाक शासन इव कह शूद्र का न, और अशेष नरपति समभ्यर्चित शासन कह शूद्र का। सभी राजागण जिसके शासन को स्वीकार करते हैं वो कौन है? शूद्रक है। दूसरे इंद्र के समान कौन है? मानो दूसरे इंद्र के समान है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो मानो दूसरे इंद्र के समान कौन है? हाँ, अब कहा कि भुवः भर्ता भूमि का स्वामी है। भूमि का कैसी भूमि? बोले चार उदधि, चतुर्दधि माने चार समुद्र, और वो चार समुद्रों की माला, और मानो वही मेखला है। मेखला माने करदनी, मानो चारों समुद्रों से घिरी हुई है ये हमारी धरती। जो लोग भूगोल के विद्यार्थी होंगे वो इतना जानते होंगे, समुद्र सभी वो समुद्र हैं और बीच में धरती है, तो चारों समुद्रों से घिरी हुई है हमारी क्या? तो यदि पृथ्वी एक नायिका है तो चारों समुद्रों की वो नायिका चारों समुद्रों की करधनी पहने। करधनी आप पहने कभी? यानी आप नहीं पहने होंगे, आपकी मैडम, अच्छा आप पहने, जो आप बेल्ट लगाते हैं वही आपकी मेखला है, और चांदी की एक करधनी बनती है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं करधनी पुरुष नहीं पहन सकते, मेरे ख्याल से आजकल आप बेल्ट की पहने होंगे, चमड़े की पहने होंगे। तो वो जो धरती रूपी नायिका है वो चार समुद्र रूपी, चार समुद्रों की माला ही जिसकी मेखला है, ऐसी धरती का जो स्वामी है वो राजा शूद्रक है। माने समुद्र के अलावा जहां तक धरती है वहां तक शासन है किसका? किसका? शूद्रक का। समझ में आ गया? चतुर्दधि माला मेखला या भुवः भरता राजा शूद्र का, ऐसा राजा शूद्र का आसीत, ऐसा राजा शूद्र कहा। इतना समझ में आ गया? अब आपसे पूछेगा कि चतुर्दधि माला मेखला या भुवः भरता, यह विशेषण किसके लिए? चार समुद्रों से घिरी हुई मेखला वाली धरती का स्वामी कौन है? समझ में आ गया? तो चतुर्दधि माला मेखला या भुवः भरता, भरता कौन है? भरता माने स्वामी। हाँ, आलू वाला भरता नहीं, क्या सोचोगे? नहीं सर, आपका है का आलू का भरता कि भांटा का भरता? भरता है स्वामी के, जो भरण पोषण करे, जो धरती का भरण पोषण करे वो स्वामी। भाई साहब थोड़ा टेंशन में है, नहीं है ना? तो मुस्कुराते रहे, क्या बिना हंसे बैठना जरूरी है? और हंसने में कोई पैसा लगता है? सब काम हंसते हुए करिए। पढ़ना वैसे भी पड़ेगा, टेंशनाइज होके पढ़ेंगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, मुस्कुरा के पढ़ेंगे तो भी पढ़ना पड़ेगा। मुस्कुरा के पढ़ेंगे तो समझ आएगा, टेंशन में रहेंगे तो आधा समझ आएगा आधा चला जाएगा। बोलिए चार समुद्र हैं। बोले सर देखे तो नहीं? लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, मान जाओ बाण भी यही कहते हैं, चार समुद्रों से घिरी हुई धरती, और उसका स्वामी किसको बताया? हाँ, राजा शूद्र। कुछ लोग इतना सीरियस बैठे रहते हैं, सब लोग हंसते रहते हैं, वो हंसते नहीं, वो हंसता नहीं, ये देख के मुझे हंसी आ जाती है। आखिर ये हंस क्यों नहीं? क्या चारों समुद्रों से घिरी हुई धरती का स्वामी शूद्रक हो गया? इस बात का आपको टेंशन है? टेंशन है नहीं है? हाँ, तो हंसते रहे देखे भाई साहब, इनको देख के हंसिए। चतुर्दधि माला मेखला या भुवः भरता, ठीक है।
हाँ, और जो लोग बढ़िया खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, वही भर्ता बनेंगे। भर्ता बनना है, स्वामी बनना है, पति बनना है। हाँ तो ठीक है, पति बनना है तो मुस्कुराते रहो, बिना जो हंसता नहीं है उसको कोई पति नहीं बनाता। तो बोले हाँ साहब, बोले कि सर पहले हंसते थे और जब से भर्ता बन गए तब से नहीं। ठीक है, अच्छा जो लोग नहीं हंस रहे हैं तो समझना उनकी भी हंसी कोई लेके उड़ गई है, तो बड़ा टेंशन होता है। चलिए, प्रताप अनुराग अवनत प्रताप अनुराग समस्त सामंत चक्र। प्रतापी राजा जो होते हैं उनके प्रताप में अनुराग, अनुराग माने प्यार। जैसे कोई बड़ा प्रतापी है, कोई बड़ा विद्वान है, बड़ा तेजस्वी राजा है, बड़ा वीर राजा है, तो उससे बाकी जो समस्त सामंत चक्र माने समूह, जो सामंत माने छोटे छोटे राजा हैं, जो राजा के अंडर में छोटे छोटे राजा हैं, वो समस्त सामंत चक्र चक्रवर्ती सम्राट शूद्रक के प्रताप में अनुराग के कारण शूद्रक के प्रतापी होने पर बहुत उनसे प्यार करते हैं, बड़ा अनुराग रखते हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं, बड़ा प्यार रखते हैं। इसीलिए सभी सामंत, कहा समस्त सामंत चक्र, सभी सामंत माने छोटे छोटे राजा गणों का समूह प्यार करता है चक्रवर्ती सम्राट के प्रतापी होने से। समझ में आ रहा है? यदि आपका मुख्यमंत्री या आपका प्रधानमंत्री या आपका राजा प्रतापी है तो प्रजा राजा के प्रताप से प्यार करती है। राजा की वीर होने पर प्रजा को गौरव होता है। आपने देखा जब पृथ्वीराज चौहान की जो प्रजा रही होगी और बार बार जब उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया होगा तो उनकी प्रजा ताल ठोंक करके खुश हुई होगी। या जब भी जब हमारा राजा हारता है, या इब्राहिम लोदी जब पानीपत के युद्ध में बाबर से हारा होगा तो पूरी प्रजा मातम मनाई होगी, पूरी प्रजा को। जब भी आप हारते हो, और छोटी मोटी बातें हैं, अब भी जो प्रजा के कई सारे टुकड़े हो गए, मान लीजिए आप किसी पार्टी विशेष से संबंध रखते हैं और आपकी पार्टी विशेष का एमएलए या सांसद हार जाता है तो आप थोड़ा मासूम हो जाते हैं। वैसे भी आप उसी प्रकार से देखें कि हमारे यहाँ जो राजवंश परंपरा थी, तो राजा शूद्रक को बताया गया कि वो इतना प्रतापी राजा था कि सब छोटे मोटे राजागण उसके प्रताप में बड़ा अनुराग रखते थे, स्नेह रखते थे। ऐसा राजा शूद्रक नाम का एक राजा था जिसके प्रताप में सभी सामंत चक्री, सभी सामंत छोटे मोटे सामंतों का समूह उनके प्रताप पर अनुराग रखता था। कर लेंगे इसको, चक्रवर्ती लक्षणों पेतः। अच्छा, राजाओं के मस्तिष्क में, राजाओं के हाथों में, राजाओं के चेहरे में, राजाओं के ललाट पर चक्रवर्ती के कुछ लक्षण हुआ करते थे। तो राजा शूद्रक के का जो लक्षण था, जो आँखों की बनावट थी, जो चेहरा था, जो ललाट था, जो हाथों की रेखाएं थी, वो ये बताती थी कि मानो चक्रवर्ती के लक्षणों से उपेता माने युक्त। उपेता माने तो कौन युक्त था? शूद्रक युक्त था। किससे? लक्षणों से। कैसे लक्षणों से? तो चक्रवर्ती राजा के जो लक्षण होने चाहिए वो सभी लक्षण उसमें विद्यमान थे। तो चक्रवर्ती लक्षणों पेतः कहा राजा शूद्र कहा। ठीक हो गया, चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त कौन था? तो चक्रवर्ती लक्षणों पेतः राजा शूद्र कहा। चक्रवर्ती लक्षणों पेतः कौन? चक्रधर कौन है? अच्छा, विष्णु है, ये तो बड़ा अच्छा है। तो चक्रधर के समान बाण ने किसको बताया? शूद्रक को। चक्रधर इव कौन? शूद्र कहा। तो चक्रधर क्या करते थे? कर कमल माने कमलवत हाथों में उपलक्ष्यमाण शंख चक्र लांछन। अब आपने विष्णु भगवान की फोटो देखी होगी तो शंख और चक्र लिए हुए देखा हो। विष्णु भगवान अपने हाथों में कर कमलों में उपलक्ष्मण माने दिखाई पड़ता है शंख और चक्र के चिन्ह। तो बोले शूद्रक ऐसा था कि उसके भी कर कमलों में किसमें उपलक्ष्मण माने दिखाई पड़ता था क्या? शंख और चक्र के चिन्ह। अब वो शंख चक्र लिए नहीं रहता था, उनके हाथ में, आपने कभी ज्योतिषी को हाथ दिखाया?
अच्छा नहीं दिखाया तो ठीक है, कभी दिखाना तो भी ठीक है। यदि किसी के हाथ में शंख और चक्र बना हो तो ज्योतिषी ज्योतिष की दृष्टि में, उस ज्योतिष की दृष्टि में आप बड़े भाग्यवान हैं, आपको राजगद्दी मिल सकती है, आप विधायक हो सकते हैं, आप सांसद हो सकते हैं, हो सकता है मौका लगे आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कुमार स्वामी की तरह साला हार गया लेकिन बना मुख्यमंत्री है। पूरे राज्य में सबसे कम सीटें आई हैं और कर्नाटक में मुख्यमंत्री बन गया। वो शंख चक्र लांछना है, उसके भाग्य में मुख्यमंत्री बनना लिखना था। साला 104 सीटें लेकर के लोग विपक्ष में बैठे हैं और उससे बड़ी पार्टी कांग्रेस वो भी साथ में है लेकिन लुल्ल है। सबसे कम सीट लेकर ये शंख चक्र लांछन लोग है। राजा कौन बना? और उसने कह दिया, कुमार स्वामी ने कहा कि हम तभी किसी को देंगे समर्थन जब हम मुख्यमंत्री बने। लोग ले रहे थे 112 हो तब मुख्यमंत्री बने, सारा 37-38 सीट लेके मुख्यमंत्री बने। ये शंख चक्र लांछना नहीं है? बोलो, ये शंख चक्र लांछना है? बोलो हाँ। अब मान लो कांग्रेस ये कहती कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे तो कुमार स्वामी कहते बन ले, बन। गाँव में लोग कहते याद है इसका मतलब, कांग्रेस की मजबूरी थी बीजेपी को दे नहीं सकती थी, और उसकी मजबूरी यह थी कि वो मुख्यमंत्री बनता तो कुमार स्वामी कहता हम नहीं देंगे, लेके बच जा। अब ये बड़ी बात है। और तब मुझे लगता है कि नहीं भैया, संघ चक्रधारी एवं कर कमलोपलक्षमाण, क्या चक्रधारी एवं विष्णु भगवान के समान। अब विष्णु भगवान के कर कमलों में संघ चक्र साक्षात रहता है, वो संख एक हाथ में लेते हैं एक हाथ में चक्र चलता है। तो अब इसको आप यदि शूद्रक के लिए उदाहरण दें तो शूद्रक के कर कमलवत माने कमलवत हाथों में संख और चक्र के चिन्ह बने। संख चक्र के चिन्ह बनना हाथों में जायज है? सबके नहीं बनता। राजा शूद्रक जैसे लोगों के हाथ में संख चक्र के चिन्ह बनते हैं, और जिनके हाथों में शंख और चक्र के चिन्ह हुआ करते हैं वो जीवन में बड़ी उन्नति करते हैं, ऐसा ज्योतिष कहता है। उसी ज्योतिषी बात को बाणभट्ट ने कहा कि विष्णु के समान है कौन? चक्रधर के समान कौन? तो चक्रधर के पास क्या है? शंख चक्र है। और शूद्रक के पास क्या है? उसके पास भी शंख चक्र है। चक्रधर यानी विष्णु के पास सही सही में शंख और चक्र है। चक्रम धरति चक्रधरा, चक्र को धारण करते हैं इसीलिए चक्रधर है वो। और इसके हाथों में चक्र बना है माने चक्र का चिन्ह बना है, ऐसे रेखा गई है ऐसे गई है, ये हमारा चक्र बना है। देखो पंडित जी बना है शंख बना है। तो शूद्रक के हाथों में शंख और चक्र के चिन्ह बने हैं, इसका मतलब दुनिया में बहुत उन्नति करने वाला है कौन? अब ये दोनों समझ में अब आते आगे, माने विष्णु भगवान की तरह शंख चक्र लिया नहीं है। चंदन जी किसको झांक रहे हैं? अच्छा चक्रधर को। हम सोचे किसी चक्रधराई को तो नहीं निहार, कोई आया तो नहीं आप वाली के बाहर खड़ी हो, भाई साहब आ जाइए अंदर। चलिए चक्रधर ही वो हंसने के लिए कह रहे हैं, हमारा उनका अपना हसोड़ का रिश्ता है। चक्रधर ही वो कर कमलोपलक्षमाण शंख चक्र लांछना कौन? राजा शूद्र का। तो आपसे पूछेगा कि विष्णु भगवान के साथ तुलना किसकी की गई? शूद्र की। इस तरह के सवाल आएंगे, शंख चक्र लांछना कह और कर कमलोपलक्षमाण शंख चक्र लांछना कौन? विष्णु। कर कमलों को लक्ष्मण और कर कमल में उसके शंख चक्र के चिन्ह बने हैं और विष्णु भगवान अपने हाथों में लिए हैं। ठीक हो गया, आगे आइए। हर इव जित मन मथाह, हर मन, अरे वाह, हर हर गंगे, क्या कहते हैं हर हर गंगे। हर इव, हर इव माने चक्रधर इव माने, और हर इव माने शंकर के समान। अगला सवाल आपसे पूछ लेगा, भगवान शंकर के साथ तुलना किसकी की गई? लेकिन शंकर भगवान के कई गुण हैं, वो जहर पी लिए हैं, वो नीलकंठ हैं, वो पार्वती से ब्याह किए हैं, वो कैलाश पर्वत में रहते हैं। लेकिन नहीं नहीं, शंकर भगवान से शूद्रक का कौन सा गुण मैच करता है? तो बाण ने कहा जित मन मथा वाला। जैसे भगवान शंकर ने मनमथ यानी कामदेव को जीत लिया है, ऐसे ही शूद्रक ने अपनी लाइफ में काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो भगवान शंकर का कौन सा गुण शूद्रक से मिलता है? जित मनमथ वाला।
मनमत को जीतने वाला, मनमत को कामदेव को शूद्रक ने वैसे ही जीत लिया है जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को जीता था। कहानी आपको पता होगी, कामदेव गया था, भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया था, वो जलकर भस्म हो गया था। तो हर इव जित मन मथा, हर इव जित मन मथा, कौन बोले शूद्र कहा, हरह कहा, हरह शंकर। तो हरह किम कृतवान, बोले मनमथम जितवान। वैसे ही शूद्र कहा भी मनमथम जितवान, शूद्रक ने मनमत को वैसे ही जीत लिया जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को जीत लिया। कोई दिक्कत? तो हर इव जित मन मथा शंकर और हर इव जित मन मथा शूद्र कहा। हरह इव शंकर, इव शंकर के समान, शंकर के समान क्या? तो बोले जित मन मथा, मनमत को जीत लिया है। मनमत को किसने जीत लिया? जो मन को मथ दे वो मनमत है। मन को मथ दे, मन को मथ देने वाला, मन को व्यथित कर देने वाला, मन को कष्ट दे देने वाला, मन को एकदम पगलाए देने वाला वो मनमत है। क्या नाम है गुरु? मन मथ, मन ना मथित कर देता है, व्यथित कर देता है, दुखी कर देता है, कष्ट कर देता है। और जिसका मन मथित नहीं हुआ वो हो गया जित मन मथा। कौन हो गया? इसलिए भगवान शंकर ने मनमत को जीत लिया। और कामदेव ने पूरी कोशिश की कि मैं भगवान शंकर को जीत लूं, सारी दुनिया में मनमत को किसी ने जीता नहीं। विश्वामित्र भी तपस्या करने गए, मनमत आके उनको भी जीत लिया। और कभी मनमत आता है, कभी रंभा बन करके, कभी मेनका बन करके, नहीं। और ये बड़ी बात होती जब आपकी लाइफ राम जी के यहाँ भी आई सूपनखा बन के, नहीं। और मनमत जीतने की कोशिश तो सबको करता है। और राम इव जित मन मथा नहीं कहे, क्यों? क्योंकि राम अपनी सीता को लेके वनवास गए थे ना। जब राम की सीता साथ में है तो कौन जित मन मथा? तो मनमत को साथ लिए घूम रहे। कृष्ण के लिए भी जित मन मथा नहीं किया। कृष्ण क्या एक के साथ नहीं, राधा भी हैं, श्यामा भी हैं, दुलारी भी हैं, वो तो सबके साथ नाचते हैं। ये बड़ी बात है। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि राम और कृष्ण की तरह नहीं कहा, लेकिन मनमत को जीतने में उदाहरण किसका आता है? शिव का। इसलिए कि वो पहले शख्स हैं, वो पहले देवता हैं जिन्होंने जिंदा जी मनमत को जलाया। और गुरु जब भी किसी की तीसरी आँख खुल जाती है तभी वो आदमी मनमत को जीत पाता है। इन दो आँखों से कोई मनमत को जीत नहीं सकता। समझ में आया? और भगवान शंकर को मनमत को जीतने के लिए तीसरा खोलना पड़ा। दो आँखों से तो मनमत घुसता है, आँखी न हो तो शायद मनमत से आप बच जाओ। ये मनमत का पहला सटीक वार है, आँखें। बोलो हाँ नहीं है? आँख मारे ली, और यहाँ तो आँखी से गोली मारे ठुगाना बना है। आँख से लोग गोली मार देते हैं।